और बड़ी खबर, गोंडा से सड़क हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई। बीजेपी प्रत्याशी के काफिले के साथ यह हादसा हुआ। काफिले की कार से बच्चों को रौंदा। करण भूषण सिंह के काफिले को कार ने रौंद दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दो बच्चों की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। कर्नलगंज हुजूरपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, दो बच्चों की मौत हो गई है, एक घायल है। गोंडा में यह हादसा हुआ, सड़क हादसे में दो बच्चों की मौत हुई है। करण भूषण सिंह के काफिले से हादसा हुआ, काफिले की कार ने बच्चों को रौंदा है। देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवमणि, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बिलभूषण शरण सिंह, उनके बेटे हैं और मौजूदा समय में वो कैसरगंज सीट से भाजपा के प्रत्याशी थे। इनका काफिला कर्नलगंज से हुजूरपुर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर रास्ते में एक बैकुंठ डिग्री कॉलेज है, इसी रोड पर सुनसान सड़क है, वहाँ पर बच्चे रास्ता पार कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है और इनका जो काफिला है, तीन चार गाड़ियों का जो काफिला, उसमें से एक पुलिस स्कॉर्ट जिसमें लिखा हुआ है, ये वाहन लगातार चुनाव में भी वैसे भी इनके साथ काफिले में चलता था, उसी वाहन से फॉर्च्यूनर कार है, उस वाहन से तीन बच्चों को रौंदा है, जिसमें दो की मौत हो गई है और तीसरे की हालत गंभीर है, जिसको सीएचसी में इलाज के लिए, फौरी इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और फिलहाल मौके पर, चूंकि भीड़भाड़ वाला इलाका है, गांव अगल बगल है सड़क के, तो वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठा है, पुलिस इकट्ठा है और वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि ड्राइवर जो है वो मौके से वहां से फरार हो गया था। और खास बात यहां पर यह भी है कि करण भूषण और ना ही उनका कोई व्यक्ति वहां पर रुका, पहले इलाज की कोशिश की गई लेकिन फिर मौके से सब लोग चले गए और पुलिस और स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा है, सड़क जाम कर दिया गया है। देवमणि त्रिपाठी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।